चंडीगढ़ से खबर, जहां कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बीजेपी जेजेपी की पहली बैठक आज है और साथ ही दोपहर 3 बजे चंडीगढ़ में ये बैठक होगी, यानी कि अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक होनी है। गृह मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर जो बैठक होनी है उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी और साथ ही दोनों दलों के प्राथमिक मुद्दे प्रदेश हित के लिए क्या हैं उनको लेकर के पहली बैठक आज होनी है दोपहर 3 बजे। और अब से ठीक 1 घंटे बाद जब ये बैठक शुरू होगी तो प्रदेश हित के लिए दोनों दलों की क्या सोच है, क्या ऐसे मुद्दे हैं जो कि दोनों दलों के लिए प्राथमिकता के तौर पर सबसे पहले आगे रखे जाएंगे, उनके लेकर ये बैठक होनी है और अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक होनी है। राकेश गुप्ता हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश जी, क्या अभी तक इस पर जानकारी है? बैठक आज पहली और साथ ही दोनों दलों की साझा तौर पर इसमें जो अहम मुद्दे हैं उनको लेकर के बातचीत? बिल्कुल, आप जानते हैं कि जो साझा न्यूनतम साझा कार्यक्रम लागू करने के लिए जो गृह मंत्री हैं अनिल विज, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी में जजपा की तरफ से अनूप धानक और राजदीप फोगाट हैं, जबकि भाजपा की तरफ से कंवरपाल गुज्जर और पूर्व मंत्री जो है ओम प्रकाश धनखड़ हैं। ये बैठक 3 बजे होगी और इस बैठक में यही तय होना है कि फौरी तौर पर जो साझा कार्यक्रम बनना है, क्योंकि आप जानते हैं कि दोनों दल अपने अपने कार्यक्रमों को लेकर जो है चुनावी घोषणा पत्रों को लेकर जो है जनता के बीच गए थे, तो उनमें जो कॉमन है, जो क्या कार्यक्रम है जिन पर रोड मैप तैयार करना है, आगे चलना है, जो सांझे हैं या जो सांझे नहीं भी थे, जो दोनों के बड़े बड़े वायदे थे, किस तरह से उन्हें अपनाना है। और आप ये भी जानते हैं कि 1 महीना हो गया है सरकार को बने, तो ऐसे में विपक्ष के निशाने पर भी सरकार आई है और विपक्ष भी ये कह रहा है, कल भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने साफ कहा कि सरकार 1 महीने में कुछ नहीं कर पाई और कोई जो है साझा कार्यक्रम तय नहीं कर पाई है। हालांकि ये बैठक जो है 1 सप्ताह भर पहले से तय थी, लेकिन आज देखना है कि पहले 5 या 10 एजेंडा क्या जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से संबंधित जो कमेटी है उसमें क्या निकल कर आते हैं और आगे के लिए क्या रोड मैप तय होता है। इन इन इनके बाद बैठक के बाद अगर किन्हीं से ब्रीफिंग होती है मीडिया की तब पता लग पाएगा कि किन बिंदुओं पर जो है साझा राय बन पाई है। लेकिन राकेश जी, क्योंकि जैसा कि विपक्ष भी लगातार हमलावर रहा है सरकार के ऊपर कि गठबंधन की सरकार, पहले कैबिनेट विस्तार में समय, लेकिन अब अभी तक 1 महीना बीतने के बाद भी, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अभी तक तय नहीं हो सका है, तो पहली बैठक तो आज है, तो यानी कि माना जाए कि और भी इंतजार करना होगा। असल रूप में दोनों दलों की साझा न्यूनतम चीजें ऐसी कौन सी हैं, साझा प्रोग्राम उनका कौन सा है, उसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा? यानी कि देखिए, आप अगर बिल्कुल महीनता से देखें तो जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की 27 अक्टूबर को ओथ भले ही हुई हो, लेकिन जिस तरह से मंत्रिमंडल के गठन में या मंत्रियों के ओथ लेने में समय लगा, उसके बाद मंत्रियों ने अपना पदभार जो समय लगा और अब कॉमन मिनिमम जो कमेटी बनी है उस पर जो है एक आज बैठक होनी है, पहली बैठक हो रही है, क्या राय बनती है, क्योंकि ऑलरेडी गठबंधन की जो सरकार में ऑलरेडी डिले हो गया है सब कुछ। आमतौर पर आपने ये भी देखा होगा कि 20-22 दिन ऐसा कभी नहीं होता कि सरकार ना बन पाए या मंत्री ना बन पाए, तो ऐसे में अब हरियाणा में जो स्थिति है आपके सामने है, गठबंधन की सरकार आई है और ऐसे जजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई है, निर्दलियों के साथ बनाई है, तो अभी एडजस्टमेंट का दौर था। आज कॉमन मिनिमम जो प्रोग्राम को लेकर जो समिति है विज की अध्यक्षता वाली, उसकी बैठक में देखते हैं क्या आता है, और जब ऐसी स्थितियां हो तो थोड़ा समय स्वाभाविक है, लेकिन लोकहित के जो काम है या प्रदेशवासियों के लिए जो काम है उनके उनको होना जरूरी है, तो ऐसे में अब 3 बजे बैठक है, तो ये देखना होगा कि आज क्या निकलकर सामने आता है। और क्योंकि ये कमेटी पर ही नहीं है, क्यों अभी जो मुख्यमंत्री तक भी इसकी जो है बैठक की जो प्रोसीडिंग है वो जाएंगी और फिर लागू होने के लिए मुझे लगता है कि अभी जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उन कार्यक्रमों की घोषणा बाद में ही करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया राकेश जी इस पर जानकारी देने के लिए। तो यानी कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के जो इस बैठक का इंतजार लगातार किया जाता रहा, विपक्ष बार बार सरकार पर यह सवाल दागता रहा कि 1 महीना बीत चुका है लेकिन अभी तक दोनों दलों के साझा मुद्दे अभी तक सामने नहीं आए हैं और ऐसे में
ये पहली बैठक अपने आप में दिलचस्प, 3 बजे चंडीगढ़ में यह बैठक होगी और इस बैठक में गृह मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में बकायदा यह बैठक होगी, तो दोनों दल इसमें अहम मुद्दों को आगे रखेंगे बैठक के जरिए, लेकिन सबसे पहले किन चीजों को प्राथमिकता दी जाती है यह भी देखना होगा।